शुरुआत शहर की सफाई की। टुहाना में साफ सफाई हमेशा से ही एक मुद्दा रही है, जिसके समाधान के लिए अब कैबिनेट मंत्री और विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है, जो है 8802647777। इस नंबर की मदद से कोई भी व्यक्ति शहर में कहीं पर भी गंदगी की शिकायत यदि व्हाट्सएप करता है तो उसकी समस्या का समाधान 24 घंटे में किया जाएगा। सफाई होने के बाद उस स्थान की फोटो भी शिकायतकर्ता के मोबाइल पर भेजी जाएगी ताकि वह संतुष्ट हो सके। ये जो टोहाना में एक सफाई को लेकर पिछले लंबे समय से एक समस्या थी, समस्याएं तो और भी बहुत हैं लेकिन सफाई एक मेन मुद्दा था। पिछले समय भी हमने संत रविदास जयंती पर पूरे हरियाणा प्रदेश में महासफाई अभियान का आयोजन किया, उसमें पूरे टोहाना हल्के के अंदर हर गांव में और पूरे टोहाना के हर वार्ड में हम खुद जाकर सभी हमारे साथियों ने शहर को साफ करने में उसमें अपने भागीदारी निभाई। साथ में प्रशासनिक अधिकारी उनका भी सहयोग पहले से अब जनता को मिलना शुरू हुआ है और आज ये व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है। मैं एक बार मतलब आपके आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये नंबर भेजना चाहता हूँ, 8880264777। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, इसमें हमारे सभी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, हमारा बैकअप ऑफिस होगा, यहाँ से जो भी कंप्लेंट सफाई से रिलेटेड हमारे व्हाट्सएप नंबर पहुँचेगी, हम साथ के साथ उस डिपार्टमेंट को उसके डिपार्टमेंट तक उस समस्या को भेज कर उसका निवारण कराने का काम कराएंगे। और फीडबैक भी जो साथी हमारा जो भी नागरिक देगा उससे लिया जाएगा कि उस काम पे टाइम बाउंडेबल तरीके से कि जो शिकायत आई उसको हम दुरुस्त कर सकें, इसलिए हमने नंबर जारी किया। सर अपना पर्सनल नंबर है सरकारी तौर पे क्या रखा? ये नंबर हमने हमारे ऑफिस की तरफ से लॉन्च किया है जो, और आज जब सरकार में मंत्री तो आज ये पर्सनल और सरकारी दोनों काम करेगा। आज सरकार जब हरियाणा प्रदेश में बतौर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली काम कर रहा है तो ये सुविधा मेरे शहरवासियों को मिले और भी मूलभूत सुविधाएं थी। आज हमें पूरा जिला प्रशासन की मीटिंग ली, जिस हमारे साथ है पूरे अधिकारी हर विभाग से संबंध जिला के अधिकारी आज यहाँ थे। पिछली मीटिंग में जो एजेंडा था उसको रिवाइज किया हमने आज करने का काम किया। हर संबंध विभाग से जुड़ी समस्याएँ थी, काफ़ी समस्याएँ विभागों द्वारा इम्प्रूव की गई हैं, कुछ में कुछ टेक्निकल अड़चने थी उनको भी आने वाले समय में दूर करेंगे। और एक जीरो टॉलरेंस पे जो हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में उस पर हम आज मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि हम दो दिनों में हम कम्युनिटी सेंटर के करीबन 7 उद्घाटन हमने किए, 11 कम्युनिटी सेंटर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये बजट को बनाकर शिमसी के लिए गाँव के लिए लेकर आए थे। तो वहाँ जो पहले हमारे जो और प्रोजेक्ट चले हुए थे उसमें काम की गुणवत्ता को लेकर छोटे मोटे एक दो जो शिकायतों को छोड़कर लोगों ने काम को प्रेजेंट किया। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।